आज गुल्ली और बुल्ली साथ में पबजी खेल रहे थे। गुल्ली और बुल्ली को गेम खेलते हुए काफ़ी देर हो जाती है, तभी वहाँ पे सोन आ जाता है। सोन ने गुल्ली और बुल्ली से कहा कि चलो आज फिल्म देखने जाते हैं। फिर बुल्ली ने कहा चलो जाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। गुल्ली ने कहा कि वो सब तो ठीक है, पर हम कौन सी थिएटर में फिल्म देखने जाने वाले हैं। सोन ने कहा कि वही थिएटर जो जंगल के पास है। गुल्ली ने कहा हम वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है। लोग कहते हैं कि वो जंगल हॉन्टेड है और वहाँ पे जो जाता है वो वापस लौट के नहीं आता। लोग कहते हैं उस जंगल में ग्रैनी रहती है। सोन ने कहा ग्रैनी बैनी कुछ नहीं होता, और अगर ग्रैनी मेरे सामने आई तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊँगा। फिर गुल्ली बुल्ली और सोन फिल्म देखने के लिए घर से निकल जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन फिल्म देखने तो निकल जाते हैं, पर उनको पता नहीं था वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। वो लोग जा रहे थे तभी उन्होंने देखा कि रॉर उधर खड़ा था। तभी गुल्ली गाड़ी रॉर के पास ले जाता है। तभी गुल्ली ने कहा कि क्या हुआ रॉर, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तभी रॉर ने कहा मेरी वैन खराब हो गई है, पता नहीं मैं घर पे कैसे जाऊँगा। सोन ने कहा हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, चलो हमारे साथ तुम भी फिल्म देखने। गुल्ली ने कहा हाँ, फिल्म देखने के बाद हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। रॉर मान जाता है और वो भी गुल्ली बुल्ली और सोन के साथ फिल्म देखने चला जाता है। जंगल में बहुत ही अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। जंगल में से बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। थोड़ी ही देर में वो लोग थिएटर में पहुंच जाते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन और रॉर फिल्म देखने के लिए बैठ जाते हैं। उन लोगों को फिल्म देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। थोड़ी ही देर में इंटरवेल हो जाता है। सोन सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक्स और समोसे लेके आता है। इंटरवेल के बाद थिएटर में गाना बजने लगता है और वो लोग डांस करने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन और रॉर फिल्म देख के वापिस घर जा रहे थे। गुल्ली ने कहा कि आज तो पिक्चर देखने का मजा आ गया, और सोन ने कहा हाँ, वो हीरो ने क्या जबरदस्त फाइटिंग की है, एक नंबर। गुल्ली बुल्ली सोन और रॉर मस्ती करते हुए जा रहे थे, तभी अचानक से गाड़ी बंद हो जाती है। बुल्ली ने कहा गाड़ी क्यों रोक दी। गुल्ली ने कहा मैंने नहीं रोकी है, अपने आप रुक गई है। फिर गुल्ली गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर बहुत बार कोशिश करने के बाद भी गाड़ी चालू नहीं होती है। तभी सोन ने देखा वहाँ एक घर है। सोन ने कहा आज रात को हम वहाँ पे रह सकते हैं। गुल्ली ने कहा वो बहुत पुराना घर लग रहा है, मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई रह रहा होगा। तभी घर का दरवाज़ा अपने आप खुलता है। सोन ने कहा वो देखो दरवाज़ा खुला, ज़रूर इस घर में कोई तो रहता ही होगा, रुको मैं पूछ के आता हूँ। सोन घर की तरफ आगे बढ़ता है और घर के अंदर चला जाता है। तभी घर का दरवाज़ा बंद हो जाता है। काफ़ी देर हो जाती है पर सोन बाहर नहीं आता। गुल्ली बुल्ली और रॉर इंतज़ार करते हुए थक जाते हैं। तभी सड़क पे से एक अंकल जा रहे होते हैं। अंकल गाड़ी गुल्ली बुल्ली और रॉर के पास रोकते हैं। अंकल ने पूछा तुम लोग इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो। गुल्ली ने कहा हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, इसलिए हमारा दोस्त सोन उस घर में गया है कि आज रात यहाँ रहने की शायद हमें जगह मिल जाए। अंकल ने कहा तुम्हारा दोस्त अब कभी वापस लौट के नहीं आएगा, क्योंकि ये ग्रैनी का घर है, जो इस घर में जाता है वो वापस लौट के कभी नहीं आता है। अंकल ने कहा कि तुम लोग भी चले जाओ वरना ग्रैनी तुम्हें भी मार डालेगी। इतना कहते ही अंकल वहाँ से चले जाते हैं। अंकल की ये बात सुन के गुल्ली बुल्ली और रॉर के होश उड़ जाते हैं। तो दोस्तों क्या होगा सोन का, क्या गुल्ली बुल्ली और रॉर सोन को बचा पाएंगे या ग्रैनी सोन का बैंड बजा देंगी, ये सब हम देखेंगे गुल्ली बुल्ली और ग्रैनी पार्ट 2 में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें।